सोनीपत में विषाक्त शराब पीने से 27 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गोहाना पुलिस ने 21 पेटी अवैध शराब और नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गांव नैना तेतारपुर में सूचना के आधार पर रेड की और सूचना पर मौके से 21 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने नकली शराब से 2 बड़े ड्राम, ढक्कन लगाने वाली मशीन, जहरीला केमिकल, बिजली की, पानी की मोटर बरामद की है। यहाँ आपको बता दें कि किराए के मकान में अवैध शराब बनाने का कारोबार हो रहा था। मौके से आरोपी फरार हो गए, लेकिन मकान मालिक को पुलिस ने काबू कर लिया है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ड्रिंक किया था, उस ड्रिंक में हुआ कुछ, सुबह देखा था वो एक्सपायर हुआ। कब ले गए थे ड्रिंक? शाम को लेके आए थे। तो मतलब ड्रिंक पीने के बाद ही एक्सपायर हुआ? जब पुलिस वगैरह ने कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट की थी, पोस्टमार्टम भी करवा लिया। हाँ, उसमें क्या आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या काम करते थे? सीआरपीएफ रिटायरमेंट है। उनकी डेथ हुई थी 1 तारीख को शाम को, इन्होंने शराब लेके आए थे यहीं से गोहाना रोड से ही शराब ली थी इन्होंने। 1 तारीख को उन्होंने पीने लग गए, थोड़ी पी थी इन्होंने, ये बोले मेरे को पेट्रोल जैसी स्मेल आ रही है इसमें से। पीने के बाद उसको उल्टी होने लगी, उल्टी होने के बाद फिर उसने जो बची हुई थी वो फेंक दी दारू, फिर और ला के उन्होंने पी है। फिर उसको सुबह तक उल्टी होती रही, सुबह वो थोड़ी बहुत ही आस पास से डॉक्टर से किसी स्टोर से लेके आए किसी से दवाई लेके और ड्यूटी पर से ले गए। फिर वहाँ पे जाके उनको दोपहर को 2:30 बजे के करीब छाती में दर्द हो गया थी और खून की उल्टी आई है उनको। फिर वो अपने आप ऑटो में बैठ के राम में हॉस्पिटल पहुँचे हैं बालगढ़ पर। बालगढ़ पहुँचने के बाद उनका बालगढ़ हॉस्पिटल वाला हमारे पास फोन आया है, हम फिर इसको वहाँ से क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया डॉक्टर ने बताया इसकी पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल, आप इसको यहाँ से लेके चले जाओ। उसका चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ है, एक्सरे हुआ है, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसकी पूरे शरीर में एसिड फैल चुका है, नशे ब्लॉक हो चुकी हैं सारी और कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर में था वहाँ पे। फिर हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के बाद उसके बाद हमने उनको रोहतक पीजीआई में रेफर करवा लिया। हम शाम को 5 बजे एम्बुलेंस से रोहतक पीजीआई में लेके गए उनको। रात को उन्होंने इलाज शुरू किया था, फिर रात को 12:30 1 बजे के करीब उनकी डेथ हो गई। तो क्या लगता है कि शराब पीने से हुई है मौत? हाँ बिल्कुल, शराब पीने से हुई है। क्या फिर ये पता चला कहाँ से शराब लेके आया? हमारे गांव का एक बलजीत था, सीआरपी से रिटायर हुआ था और उसने परसों शाम को दारू पीने से वो सुबह ही मतलब वहाँ उसकी डेथ हुई मिली। उसके बच्चे भी घर पे नहीं थे, उसका बच्चा वहाँ एकेडमी में रोहतक था और उसकी मिसिज अपने माई के घर गई हुई थी। तो सोनीपत में क्या लगता है शराब के अवैध धंधा चल रहा है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये इतने लोगों की मौत हुई इसके जिम्मेवार किसके मानते हैं? ये प्रशासन ने मतलब ऐसे ढील मूल की नीतियों से प्रशासन को ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ अवैध धंधे चल रहे हैं। प्रशासन को पता है इन बातों का, लेकिन प्रशासन आग नीचे बैठा हुआ। प्रशासन ना, मेरा नाम ओम प्रकाश है। सर कुछ अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, क्या कुछ मामला है? सर ये था कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि नैना तातारपुर गांव में कुछ लोग शराब का अवैध धंधा करते हैं, वो बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो इस सूचना पर हम गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर हमें वहां पर काफ़ी शराब मिली, 21 पेटी शराब मिली और उसको बरामद कर लिया। सर ये लोग जो हैं कहाँ कुछ रह रहे थे? गांव के ही लोग हैं और गांव के ही लोग हैं और गांव में ही किसी के किराए पे रहते हैं और जो जिसका मकान है वो शहर में रहता है सोनीपत। सर लगातार जिस प्रकार से अभी 27 मौतें जो हैं शराब से सोनीपत में भी हो चुकी हैं, तो प्रशासन की तरफ से किस प्रकार के आदेश में प्राप्त है? प्रशासन इसमें पूरी तरह से अलर्ट है, सभी पार्टियाँ लगी हुई हैं, CIA की तरफ से भी और सभी थानों की तरफ से भी, क्राइम की तरफ से भी। सर जो मौके पर युवक हैं मिले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है या कब तक गिरफ्तारी होगी? नहीं, मौके से कोई नहीं मिला है, जो मकान मालिक है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो युवक जो फरार हैं अभी जो? हाँ वो बाकी युवक फरार हैं। कितने युवक बताए गए हैं सर जो अभी काम? तक 2 युवकों का नाम सामने आया है।
अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है? हाँ, अभी तफ्तीश जारी है, आगे तफ्तीश में जो होगा आपको बताते रहेंगे। क्या मामला दर्ज किया गया सर, किन धाराओं में? 328, 272, 420, 467, 468, 471, 120 और एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया। जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा जी? हाँ जी, बिल्कुल जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.